हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे जो हम लोगों का कुछ वीडियो आप देख सकते हो, हम लोग जो मोबाइल के ऐप से जो फॉर्म फिलअप करते हैं या कोई ऐप्स अगर इंस्टॉल करके उसका कोई रिव्यू दिखाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, तो वो वीडियो में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं कैसे बनाता हूँ वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो एक बहुत दूर का एक दोस्त है, दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था वो वीडियो कैसे आप बनाते हो मोबाइल के स्क्रीन में, अच्छा लगता है देखकर, तो इसलिए वही वीडियो में आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए, और हमारी चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो वो जो वीडियो है, वो वीडियो बनाने के लिए पहले आपको जो प्ले स्टोर से एक ऐप से रिकॉर्ड मास्टर, वो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड जो होता है, स्क्रीन रिकॉर्ड जो ऐप्स होता है, वो ऐप्स आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको जो ऐप्स है उस ऐप से आपका जो जो कोई कुछ भी आप दिखाना चाहते हो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, वो आप पहले आपका जो मोबाइल है मोबाइल में वो करो, और उसको उसका फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करो। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद, तो स्क्रीन रिकॉर्ड करो, फुल की स्क्रीन रिकॉर्ड करो। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद आपका जो काम होगा उसके बाद आपको एक ऐप्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, काइन मास्टर। तो काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड है उसके साथ आपका म्यूजिक या आपका कोई पिक्चर आप कैसे एडिट करोगे वही मैं आज दिखाऊंगा। तो इसलिए चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, और आपको फुल वीडियो दिखाते हैं कैसे हम लोग जो मोबाइल के स्क्रीन पर जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप कैसे मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो बना सकते हो। तो इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी, वो है काइन मास्टर। तो देख ही सकते हो स्क्रीन पर। तो काइन मास्टर आप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड करने के बाद आपको काइन मास्टर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो यहाँ पर मिडिल में जो एक प्लस का एक आइकन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका नया वीडियो बनाना है तो क्लिक करना है। उसके बाद फास्ट वाला जो ऑप्शन है 16:9 रेशियो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मीडिया में क्लिक करना है। मीडिया में क्लिक करने के बाद आपको पहले बैकग्राउंड ले लेना है। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ऊपर में बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है, वहाँ से बैकग्राउंड ले लो, आपको जो कोई भी पसंद हो। मैं एक बैकग्राउंड ले लिया। बैकग्राउंड लेने के बाद आपको फिर से लेयर में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद मीडिया में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो वीडियो है स्क्रीन रिकॉर्ड उस पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखा है, इसको ओके करना है। उसके बाद इसको राइट में क्लिक करके स्क्रीन में आना है। तो ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड एक वीडियो मैंने बनाया था स्क्रीन रिकॉर्डर से। डू स्क्रीन रिकॉर्डर एक ऑप्शन है, वहाँ से आपको ये लेना पड़ेगा। उसके बाद लेयर में क्लिक करें, मीडिया में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल का एक PNG डाउनलोड करना होगा। मोबाइल का PNG आप गूगल से मिल जाएगा। आप मोबाइल PNG पिक्चर अगर लिखोगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे मोबाइल का एक PNG आपको डाउनलोड करना है, सिर्फ उसका फ्रेम होगा, उसका बॉडी नहीं होगा। ऐसा एक फ्रेम आपको मिल जाएगा गूगल में। गूगल में लिखो मोबाइल PNG पिक्चर तो आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद जो स्क्रीन है, तो वो स्क्रीन को मैं थोड़ा घटा बढ़ा कर स्क्रीन के साइज में मुझे लाना है। तो स्क्रीन में थोड़ा इसको नीचे नीचे ऊपर करके इसको जो स्क्रीन का जो साइज है उसमें आपको फिट करना है। तो इसके लिए इसको छोटा बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, तो देखो सेट हो गया। तो सेट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट काम होगा वो है बैकग्राउंड जो है उसको फुल वीडियो के एंड तक ले जाना पड़ेगा। तो मैंने इसको वीडियो के एंड तक ले जा रहा हूँ। तो आपको इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है, वो जो बैकग्राउंड है वो उसको। और उसके बाद आपका जो मोबाइल का जो PNG जो इमेज आप लगाया है मोबाइल का PNG, उसको भी आपको एंड तक ले जाना है, क्योंकि आपका वीडियो जो है देखो यहाँ पर नहीं है तो पहले है। तो मोबाइल का PNG भी आपको फुल करना है, क्योंकि आपको पूरा वीडियो में आपको दिखाना है। तो मैं इसको भी फुल कर देता हूँ।
तो इस आने के बाद इस यहाँ से आपको वीडियो जो है वीडियो ऊपर से ट्रिम करना है, ट्रिम करके यहाँ पर काट देना है। तो यहाँ से आपका स्क्रीन जो है वो रोटेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से आपको स्क्रीन जो है आपको रोटेट करना है। तो मैं यहाँ पर ट्रिम कर दिया, यहाँ से काट दिया वीडियो को, ठीक है। काटने के बाद यहाँ से फिर से मैंने एक मोबाइल के पीएनजी लगा के इसको एंड तक ले जाना है। तो देखो स्क्रीन को मैंने घुमा दिया, क्योंकि यहाँ से एक स्क्रीन जो है वो रोटेट हो जा रहा है। पहले जो था वो लंबा था मोबाइल का स्क्रीन, अब यहाँ से रोटेट हो गया। तो यहाँ से मुझे मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको भी मुझे करना है। आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ, और मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ वो आप देखो तो आपको सीख जाओगे। तो फिर से मीडिया में मैं गया, उसके बाद मोबाइल का जो पीएनजी है मैं फिर से वो मोबाइल का पीएनजी ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने मोबाइल का जो पीएनजी है फिर से ले लिया, तो इसको भी मैंने रोटेट कर देना है, क्योंकि स्क्रीन भी रोटेट है। तो मोबाइल का पीएनजी ऊपर में जो एक एरो है उसमें क्लिक, उसमें टैप करके आपको इसको घुमाना है। हाँ, देखो घूम गया, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। आप मोबाइल का जो वीडियो रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड स्क्रीन है, स्क्रीन रिकॉर्ड है, उसको भी मुझे बड़ा करना है, क्योंकि नहीं तो इसके अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको भी मुझे यहाँ पर फिट करना है, यहाँ पर सेट करना है। तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसको खींच के थोड़ा बड़ा करना है। देखो सेट हो गया मोबाइल के स्क्रीन पर, ये थोड़ा और बड़ा। हाँ ठीक है, अभी तो ठीक है। हाँ मोबाइल के स्क्रीन पे देखो सेट हो गया। तो उसके बाद आपको राइट में क्लिक करना है। तो उसके बाद ये जो पीएनजी है इसको भी आपको एंड तक ले जाना है, मोबाइल का जो पीएनजी पिक्चर है इसको एंड तक ले जाना है। तो सबको आपको एंड तक ले जाना है। तो देखो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आपको मोबाइल के जो फ्रेम में आपका जो वीडियो रिकॉर्ड है उसको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। तो मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ, देखो ठीक नहीं जा रहा है कि नहीं। तो आपको दोनों एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, एक होगी आपको जो काइन मास्टर है, काइन मास्टर से आपको वीडियो एडिट करना पड़ेगा, और आपको गूगल से एक पिक्चर लेना पड़ेगा। मैंने आपको बोला है मोबाइल पीएनजी पिक्चर लिखोगे तो ऐसा मोबाइल का जो फ्रेम है आ जाएगा। तो आपका जो भी मोबाइल है उस मोबाइल का मॉडल नंबर लिख के उसका पीएनजी लिखो तो ऐसा आपको आ जाएगा। तो उसको भी इस यहाँ पर लगाना है। तो ये दोनों चीज़ का आपको ज़रूरत होगी। तो देखो मेरा वीडियो फिर से सेट हो गया। तो ऐसे ही आपको जो वीडियो है वीडियो आपको बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक वीडियो जो है वीडियो बनाओ। आपको पहले जो डू स्क्रीन रिकॉर्डर जो है उससे आपको मोबाइल का जो मोबाइल में आप दिखाना चाहते हो मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको पहले रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद ये जो प्रोसेस है प्रोसेस उसके बाद आपको करना होगा। डू स्क्रीन रिकॉर्डर और काइन मास्टर ये दोनों एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत होगी। तो चलो फिर से मैंने लेफ्ट में जो शेयर का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करते हैं और वीडियो को सेव कर लेते हैं। तो ये नीचे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद स्किप में क्लिक करो, तो ये जो वीडियो है ऑटोमेटिक आपका वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपको आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो वीडियो है वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना, और मेरी चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। और अगर मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम से जोड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाके लिंक में जाके पेज को फॉलो कर दो, आपको वहाँ पर भी आपको जो नया नया अपडेट है आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।